वेलकम बैक टू फूड एंड हेल्थ। आज की रेसिपी किड्स स्पेशल रेसिपी है। किड्स को बहुत पसंद होता है पिज़्ज़ा खाना, तो आज का पिज़्ज़ा कुछ डिफरेंट है। आज हम इसको बनाना सीखेंगे, तो देखते हैं ये कैसे बनता है। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फूड एंड हेल्थ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक चटनी बनानी है, टोमेटो गार्लिक चटनी, और ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है, इसको ज़रूर बनाएँ। तो और बनाना भी इसको बड़ा आसान है। एक टोमेटो लेना है, उसको पानी में डाल दीजिए। रेड चिली ले लीजिए ड्राई वाली, उसको तोड़ के उसके बीज बाहर निकाल के डाल दीजिए। कुछ गार्लिक के क्लोव्स ले लीजिए और वो ऐड कर दीजिए इस पानी में। अब इसको बर्नर पे रख के बस बॉईल आने तक इसको बॉईल कर लीजिए। उसके जब ये बॉईल आ जाएगा तो इसका छिलका आसानी से हट जाएगा टोमेटो का। इसको उतार लीजिए, इसको ठंडा कर लीजिए थोड़ा सा। इसको ठंडा होने के लिए हमने एक स्ट्रेनर में डाल के रख देना है। जब थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाए तो टमाटर को इस तरह से छील लीजिए, बहुत आसानी से ये छिल जाता है, और मिक्सर के जार में डाल करके छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लीजिए। और बाकी ये जो लहसुन की कलियाँ हैं और जो लाल मिर्च है, इसको भी इसमें ऐड कर दीजिए। इसके अलावा इसमें सिर्फ सॉल्ट और ज़ीरा और डालिएगा, जो मैंने डालते हुए नहीं दिखाया है, आप उसको भी डाल लीजिएगा। ज़ीरा और इसमें सॉल्ट ज़रूर डलेगा। टॉपिंग के लिए कुछ वेजिटेबल्स को डाइस करके हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद एक आलू को छील करके उसको इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। स्लाइसेस हमें बहुत ज़्यादा पतले नहीं, मोटे नहीं, बस ठीक ठीक रखने हैं, और ये एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी डिश को ले जाने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिश का। इस तरह से हम स्लाइसेस को कट करके और उनको एक कोटिंग देंगे। कोटिंग में हम उसमें रेड चिली पाउडर है, चिली फ्लेक्स है, कॉर्नफ्लोर है और मिक्सड हर्ब्स हैं, ये सब डाल करके इसको अच्छे से कोट कर देंगे और एक साइड में रख देंगे। ये पोटैटोज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। इन पोटैटोज़ पे कलर अच्छा आए इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, तो अगर आपके पास है तो वही यूज़ करें, नहीं तो नॉर्मल मिर्ची भी डाल सकते हैं, उसको देखते हुए बैलेंस करके, और स्पून की हेल्प से या फिर हैंड्स की हेल्प से इस तरह से बहुत अच्छे से आगे से पीछे से इनको कोट कर दीजिए और एक साइड में रख दीजिए। उसके बाद हमें एक पैन में सबसे पहले मैगी को बनाना है। मैगी तो बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, और बस हर टाइम उनको किसी भी वेरिएशन से मैगी दे दीजिए आप, तो इसलिए ये वाली मैगी भी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। इस मैगी से जो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे ये ऑसम है। 1.5 कप मैंने पानी लिया है और 2 पैकेट मैं मैगी के लूँगी। पानी को बॉयल आने पर हमने उसमें मसाला डालना है, जो मैगी मसाला होता है, और उसको अच्छे से चला दीजिए। ठंडे पानी में मैगी मसाला नहीं डालिए, थोड़ा उस पर बॉयल आने दीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और चला करके इसको एकदम से इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म कर दीजिए, इसको मिक्स कर दीजिए। फिर 2 पैकेट मैगी के इस तरह से डाल के इसको ढक के रख दीजिए जब तक कि ये सॉफ़्ट हो जाए। और ये बहुत जल्दी गल जाती है और सॉफ़्ट हो जाती है, लेकिन हमें इसे तब तक ढक के पकाना है जब तक ये सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए और मैगी अच्छे से गल जाए। फिर थोड़ी देर बाद जब हम चेक करेंगे तो देखिए बिल्कुल अच्छे से आपस में सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है और मैगी कुक हो गई है। जब मैगी इस स्टेज पे आ जाए और अच्छे से कुक हो जाए, तो हमने इसमें खाने वाला चम्मच लेना है, और 1.5 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें ऐड किया है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स दे देना है। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, तो थोड़ा सा ही काफ़ी रहता है, 1 स्पून 1.5 स्पून काफ़ी है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए स्पून की हेल्प से चला करके, और इसको साइड में रख दीजिए। अब हमारा मेन स्टेप, फाइनल स्टेप पिज़्ज़ा की तरफ बनाने का, तो हमने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर दीजिए। उसके बाद जो हमने पोटैटोज़ कोटिंग करके रखे थे मसालों से, उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया है। मुझे धनिया पत्ते का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो ये थोड़ा धनिया पत्ता आपकी मर्ज़ी है, आपका मन चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। वो डाल करके मैंने आपस में एक दूसरे से इनको जोड़ करके इस तरह से फैला दिया है उस पे पैन पे। इनको हमें बहुत अच्छे से सेकना है, ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे, नीचे से सेक जाएंगे, इन पे मार्क्स आ जाएंगे। जब ये इस लेवल पे आ जाएं तो इनको फिर फ्लिप कर देना है दूसरी साइड पे। देखिए थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे इसको और फिर चेक करेंगे, और जैसे हमें लगेगा कि एक साइड जो नीचे वाली साइड है वो कुक हो गई होगी, अंदाज़न हमें पता चल जाएगा, उसके बाद इनका कलर चेंज हो जाता है उससे। और ये इस तरह से इनको पलट दीजिए और आपस में एक दूसरे से फिर स्टिक करते हुए इनको पास पास लाते हुए एक सर्कल की फॉर्म में
अरेंज कर दीजिए और यहाँ से भी इनको कुक होने दीजिए। अब इस स्टेज पे जो मैगी हमने बना के रखी थी उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है और स्प्रेड कर देना है। ये मैगी इजीली स्प्रेड हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, बस थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना है और स्पून की हेल्प से या स्पैचुला से जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन दो चीज़ें ले लें आप इसको स्प्रेड करने के लिए और इसको पूरे में स्प्रेड कर दें। जितने भी आपने थिक या थिन इसको रखना है बेस को उतना इसको इस तरह से फैला दीजिए और ईज़िली ये फैल जाता है और ये आपस में बहुत अच्छी बाइंडिंग ले लेता है और जो नीचे पोटैटोज़ हैं वो इसको बहुत ही अच्छा बेस देते हैं, देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत क्रिस्पी और बहुत बढ़िया लगता है। मेरे बेटे का ये ऑल टाइम फेवरेट है, उसे हर टाइम इस तरह का पिज़्ज़ा आप खिला दीजिए, उसको बहुत पसंद है। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को एक बार ज़रूर खिला के देखें, उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो अब इसका जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा रिस्की है तो बहुत ध्यान से करना है और ये फ़्लिप इस तरह से ही होगा, तो प्लेट लगा करके इसकी साइड आप फ्लिप कर लीजिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल गोल्डन कलर है पोटैटोज़ का और ये पोटैटोज़ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हैं और बेहतरीन बेस हमारा जो है पिज़्ज़ा का तैयार हो गया है। तो मैगी पिज़्ज़ा बनने वाला है तो बच्चों के तो मुँह में पानी आ रहा है, मेरा बेटा तो इंतज़ार में है जैसे जल्दी से बने और मैं फटाफट खाऊँ। तो इस तरह से आप इसको बनाएं और वो जो चटनी है उसको बस थोड़े से ऑयल से आप उसको भून लीजिए, इससे इसके स्पाइसेस बड़े बैलेंस हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगती है। बस थोड़ा सा ऑयल डालना है पैन में और इसको भून लेना है और एक साइड में रख लीजिए। पिज़्ज़ा बेस पे जो हमने फ्लिप किया है उस पर इस चटनी को 1 से 1.5 स्पून डाल करके फैला दीजिए और इसके बाद फिर ये पिज़्ज़ा सॉस ही है हमारी, थोड़ी सी रेडीमेड भी रखी थी घर में तो वो भी मैंने इस पर डाल दी है। आपकी चॉइस है, आप सिर्फ इसको लगाना चाहें तो सिर्फ इसको लगा सकते हैं या फिर रेडीमेड लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। पास्ता पिज़्ज़ा सॉस इस पे इस तरह से अप्लाई कर दीजिए, इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए स्पून की हेल्प से और उसके बाद हमारी सारी टॉपिंग्स वगैरह सब तैयार हैं। पहले हम इस पे थोड़ा चीज़ को ग्रेट करेंगे क्योंकि चीज़ तो बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो चीज़ तो ज़रूर डालना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा बैलेंस करके ही डाला है। वेजिटेबल से भी इसको लोड किया है इसको हेल्दी बनाने के लिए, तो ये एक बेहतरीन वर्जन है घर में बनाने का और खाने का और इसमें सब कुछ है, फाइबर भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, प्रोटीन भी है और टेस्ट भी है। तो इस तरह से इसमें सब कुछ डाल दिया है, पहले पिज़्ज़ा डाला है उसके बाद में स्वीट कॉर्न है और अनियन है, कैप्सिकम है, टोमेटोज़ हैं, तो सब कुछ मैं धीरे धीरे इस तरह से प्लेस कर दूँगी। सब कुछ डालने के बाद इसको हमने फिर इतना पकाना है कि बस हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। ये बहुत टेस्टी लगता है और ये नीचे जो पोटैटोज़ का जो क्रिस्पीनेस है इसमें आती है वो बहुत ऑसम लगती है और वेजिटेबल्स के साथ और पोटैटोज़ के साथ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है ये। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कमेंट्स में कि आपकी ये मैगी पिज़्ज़ा कैसा बना। ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आपको इसमें कितना चीज़ डालना है और जितना भी वेजिटेबल जो भी आपको अपनी चॉइस की डालनी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। सीजनिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स, ओरिगैनो और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये सब आप डाल करके और इसको ढक के थोड़ी देर, थोड़ा सा ऊपर से चीज़ और ऑफ कोर्स डालना है और उसके बाद चीज़ मैगी वेजिटेबल पिज़्ज़ा तैयार है। तो देखिए खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है और देखने में भी ये ऑसम लगता है। बहुत ईजीली इसको प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लीजिए, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद इसको देखिए हम सर्व करेंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको ट्राई करें, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं। और अगर आप इस रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है ऐसे ही और न्यू एक्साइटिंग डिशेस लाने के लिए। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो उसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाय बाय।